दोस्तों ये है वो एसेसरीज का बॉक्स जो पार्सल मुझे मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे। तो टाइटल देख के जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज का ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। जी हाँ, मैंने अपनी जावा 42 के लिए कुछ एसेसरीज मंगवाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो एसेसरीज और क्या है उनके प्राइस, और अगर आप भी उन एसेसरीज को परचेज करना चाहते हैं तो कहाँ से परचेज करते हैं कर सकते हैं। इसको मैंने पहले वैसे खोल तो दिया है क्योंकि मैं चेक कर रहा था कुछ, क्योंकि आजकल पार्सल बहुत इधर उधर आते हैं, कुछ और निकलता है, तो मैंने उसको पहले खोल दिया था। बाकी के सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक ये दो और ये तीन, इसको थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ये तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है एक जावा 42 की जो रेडिएटर है उसके आगे ग्रिल लगती है। अभी आपको पता होगा अगर आपके पास जावा 42 होगी या आपने जावा 42 कहीं देखी होगी, तो आगे एक ब्लैक कलर की जो कंपनी फिटेड आती है वो ग्रिल लगी हुई है जो कि है प्लास्टिक की, और ये जो ग्रिल है वो है स्टील की। तो ये ग्रिल मैंने एक गिव अवे कॉन्टेस्ट हुआ था उसके अंदर मैं थर्ड रनर अप रहा था, थर्ड प्राइज मेरे को मिला था। तो ये तो ग्रिल है वो, और बाकी ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये है सिमटेक का हजार्ड फ्लैशर जो आपके इंडिकेटर पे लगेगा। अब ये लगेगा कैसे ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब ये तीनों एसेसरीज मैं इंस्टॉल करवाऊंगा तो उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे लगती है। आप इनको घर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप घर पे ना लगाएं, आप अपने जावा सर्विस सेंटर जाएं वहीं से लगवाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो ये वाली एसेसरीज है जैसे ये फ्लैशर हो गया, या तीसरी एसेसरीज की मैं बात करूं तो वो है, जैसा कि आपको पता है कि जावा की जो हेडलैम्प है, जो मेन हेडलैम्प है उसकी जो रोशनी है वो काफ़ी कम है, तो उसको मैंने इंक्रीज करने के लिए एक नया बल्ब मंगाया है। ये बल्ब है नाइट आई का, एलईडी बल्ब है 3 सॉकेट, तो ये भी उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो मैं जैसे कह रहा था कि आप घर पे ना लगाएं ये सारी एसेसरीज, जावा सर्विस सेंटर या जावा केयर जाके वहां से आप ये एसेसरीज इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि होता क्या है कि घर पे आप लगा तो लेंगे कहीं से वीडियो देख के या जो भी है, लेकिन इसमें पावर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो आपकी बैटरी होती है वो या तो कहीं डेड हो जाएगी, क्योंकि जो इनके अंदर आईसीज जो होती है, अलग अलग आईसी होती है जो आपके अलग अलग चीज़ों को पावर देती है, वो कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है। हो सकता है कि ये जो लैंप है वो ज़्यादा आईसी की डिमांड करता हो, तो आईसी अपन को चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ सर्विस सेंटर जाएँ और लगवाएँ। और ये हजार्ड फ्लैशर है, ये भी आप घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप जावा सर्विस सेंटर जाएं और लगवाएं। मैं जब जावा सर्विस सेंटर जाऊंगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं ये तीनों के प्राइस की और मंगवाई है मैंने कहां से। तो ये जो सिमटेक का हजार्ड जो फ्लैशर है, इस हजार्ड फ्लैशर की 1 साल की वारंटी है। ये है वारंटी कार्ड जो कि इसके साथ ही आता है। हजार्ड फ्लैशर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है ये। तो इसका सेंसर जो है वो है जो आपके फिट होगा उसमें, और ये जो है इसका स्विच है जो आपके बाहर हैंडल पे कहीं लग जाएगा। ये अभी फिट है, ये इसका सॉकेट है, ये उस पर लग जाएगा, और इसमें शायद 20 या 30 टाइप्स के अलग अलग इंडिकेटर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है और ये नीचे वाला है जिससे आप स्विचिंग कर सकते हैं। तो ये जब मैं लगवाऊंगा तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इस ये तो आता है 1 साल की वारंटी के साथ, बाकी ये ग्रिल है इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है, लेकिन अब इसको होना भी क्या है क्योंकि ये स्टील प्रोडक्ट है। नाइट आई का जो हेडलैम्प है इसकी भी कोई वारंटी गारंटी तो नहीं है, लेकिन नाइट आई का है प्रोडक्ट, अच्छा है।
और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जो मेरे प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं। सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो मैंने गिव अवे में जीता है, बाकी के दो प्रोडक्ट मैंने अपने पैसे दे के मंगवाए हैं। तो मैं आपको तीनों की अब बता देता हूँ प्राइस। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इसका ये बिल है। ये प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाए हैं वो मंगवाए हैं वन स्टॉप एसेसरीज से। एक मिनट, ये फोकस नहीं कर रहा है। ये वन स्टॉप एसेसरीज जो कि है पुणे की एक कंपनी है, वहां से मैंने मंगवाए हैं। और इनके प्राइस कुछ इस तरीके से हैं कि हैजर्ड फ्लैशर है जो 1250 रुपए का मेरे को पड़ा है, और जो हैजार्ड फ्लैशर है, हाँ जी हैजार्ड फ्लैशर है जो मेरे को 1250 रुपए का पड़ा है, और जो नाइट आई का जो बल्ब है, नाइट आई का जो बल्ब है वो मेरे को 850 रुपए का पड़ा है। तो टोटल मेरा बिल हो गया 2100 रुपए। और जो कि ग्रिल है जो मैंने कॉन्टेस्ट में जीती है, इसकी भी प्राइस अराउंड 700 या 800, आई एम नॉट श्योर कितनी है, लेकिन इसकी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो इनकी फिटिंग रिलेटेड मैं बनाऊंगा, जब मैं जाऊँगा शोरूम जाऊंगा और इनको फिट करवाऊंगा, तो आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आप कमेंट करके बताना अगर आपको जावा रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या एसेसरीज के बारे में कुछ पूछना है, तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।